राहुल देव जी से यही सवाल लेता हूँ सर, जिन मंत्रालयों से गलतियां हुई उनको हटा दिया गया, क्या यह संदेश है प्रधानमंत्री का? परफॉर्मर पैरिश, राहुल जी। बिल्कुल, यह संदेश तो है ही, लेकिन इसके साथ ये भी संदेश है कि प्रधानमंत्री ने नैतिक जिम्मेदारी, जिसे हम जवाबदेही कहते हैं, अकाउंटेबिलिटी, उस सिद्धांत को एक बार फिर से बड़ी मजबूती से स्थापित किया है। यानी अगर किसी से चूक होती है तो वो कितना ही बड़ा क्यों ना हो, लेकिन उसको उसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। तो अभी ये कारण बहुत स्पष्ट नहीं हुए हैं कि किन कारणों से निशंक जी को या रविशंकर प्रसाद को या प्रकाश जावड़ेकर को हटाया गया, केवल अनुमान लगाए जा रहे हैं। शायद कुछ दिनों में हमें और पता चलेगा कि विशेष रूप से क्या, कौन कौन सी ऐसी नाकामियां थी जिनके कारण उनको हटाया गया। लेकिन जाहिर है कि प्रधानमंत्री के आकलन में उनकी, उन्होंने गंभीर चूके उनसे हुई, अंदाज है कि भाई अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो देश की छवि बनी, जिसको छवि को बहुत नुकसान हुआ कोरोना के कारण, और उसके बाद तो उसके प्रकाश जावड़ेकर को उसकी एक कीमत चुकानी पड़ी। भारत में भी मीडिया में काफी लानत पलामत हुई उसकी। आईटी को लेकर जहां तक सवाल है, एक बिल्कुल युद्ध, दैनिक युद्ध जैसा चल रहा था ज्यादातर अमेरिका की बड़ी सोशल मीडिया कंपनियों के साथ रविशंकर प्रसाद का, और उससे भी विदेशों में, अमेरिका में, और जो जहां पर टेक्नोलॉजी को बहुत महत्व दिया जाता है और इन कंपनियों का बहुत महत्व है, वजन है, वहां पर शायद छवि पर प्रभाव पड़ रहा था। लेकिन ये भी हमें ध्यान रखना होगा कि प्रकाश जावड़ेकर और रविशंकर प्रसाद ऐसे दो मंत्री थे जो सरकार का हर चीज पर, मुद्दे पर बचाव करते थे, सबसे आगे बढ़कर जो मंत्रिमंडल के बैठकों की ब्रीफिंग करते थे। तो ये बहुत बड़े लोगों की कीमत चुकाई है प्रधानमंत्री जी ने, और इसका संदेश बहुत साफ है, सख्ती का, जवाबदेही का। ठीक है, सीधे प्रेम शुक्ला जी के पास चलते हैं। प्रेम शुक्ला जी, सीधा सवाल, स्वास्थ्य मंत्री हटा दिए गए, दवाइयों के लिए जिम्मेदार केमिकल एंड फर्टिलाइजर हटा दिए गए, सरकार की छवि के लिए जिम्मेदार आईएनबी मिनिस्टर हटा दिए गए, आईटी मंत्री जिनकी दैनिक लड़ाई चल रही थी ट्विटर कंपनी के साथ उनको हटा दिया गया, यानी परफॉर्म और पेरिश, प्रधानमंत्री ने यह कह दिया है। इतने सीनियर साथियों को हटा के उन्होंने एक तरह से कोरोना काल के दूसरे खंड में अपनी गलती को माना है, अकाउंटेबिलिटी फिक्स की है। देखिए, जब मंत्रिमंडल का पुनर्गठन होना, यह विरोधियों के लिए और विश्लेषकों के लिए छिद्रान्वेषण का निश्चित तौर पर अवसर होता है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने एक क्षेत्रीय संतुलन, जातीय संतुलन, सामाजिक संतुलन, एक अत्यंत संतुलित मंत्रिमंडल का गठन किया है, और उसमें कुछ मंत्रिमंडल के लोगों का जो पहले संगठन में थे, आज सत्ता में थे, सत्ता में से उनको संगठन के जिम्मेदारियों के लिए मुक्त किया गया है, कुछ लोगों को संगठन से सत्ता की जिम्मेदारियां उनको दी गई है। तो ये स्वाभाविक तौर पर इस पर तरह तरह के विश्लेषण किए जाएंगे। जहां तक बात की जा रही कोरोना काल की